पश्चिम बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पिछले दो दशक से अजय हैं। इस बार ममता बनर्जी ने क्रिकेटर यूसुफ पठान को अधीर के खिलाफ टिकट दिया है, लेकिन पांच बार के सांसद अधीर रंजन को हराना उनके लिए आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर क्षेत्र में बेताज बादशाह कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ही हैं। यहां से वह लगातार पांच बार चुनाव जीत चुके हैं और इस बार जीत की डबल हैट्रिक के लिए मैदान में हैं। टीएमसी ने उनके खिलाफ क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतारा है। गरीबों के मसीहा और रॉबिनहुड के नाम से मशहूर चौधरी की बदौलत बंगाल में कभी सीपीएम और अब तृणमूल कांग्रेस के वर्चस्व में भी कांग्रेस का वजूद कायम है। उन्होंने बीते ढाई दशकों से अपने बूते मुर्शिदाबाद जिले को कांग्रेस का अजय किला बनाए रखा है। बता दें, अधीर रंजन चौधरी करियर के शुरुआती दिनों में फॉरवर्ड ब्लॉक में रहे। वर्ष 1991 के विधानसभा में कांग्रेस के टिकट पर पहली बार मैदान में उतरे अधीर को हार झेलनी पड़ी। वर्ष 1996 के विधानसभा चुनाव में एक सीपीएम नेता के परिजन की हत्या के आरोप में जेल में रहने के बावजूद चौधरी नौग्राम विधानसभा सीट जीत ली। अधीर 1996 में पहली बार विधायक बने और 1999 में सांसद। उन्होंने बहरामपुर सीट से 1999 में उस समय चुनाव लड़ा था जब वह आरएसपी के गढ़ थी। इसके बाद चौधरी लगातार पांच बार इसी सीट से जीत चुके हैं। इस बार अगर फिर से जीत मिली तो वह उनकी डबल हैट्रिक वाली जीत होगी। अधीर रंजन चौधरी की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने विधानसभा से लेकर पंचायत चुनाव तक कई बार आलाकमान की इच्छा के खिलाफ जाकर बागी उम्मीदवारों तक को जिताया है। मुस्लिम बाउल सीट पर इस बार लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।